अरे आईडी फ्रेम बना लो और सीतापुर से लखीमपुर जा रहे हैं प्रियंका जी के साथ, भैया पीछे रखो आईडी, और हमारे जो मुख्यमंत्री के साथ हम लोग सुबह निकले थे दिल्ली से और अब यहाँ पर रोड को ब्लॉक किया, आईडी तो ले लो, आगे जाने नहीं बोलो, मेरा तो निवेदन था कानून का उल्लंघन कर रहे हो, कोई भाषण दे रहे हो या कोई धरना दे रहे हो या कोई ऐसी बात कहें जिससे व्यवस्था बिगड़ सकती है तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन चुपचाप अगर कोई नागरिक जाना चाहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर तो कोई कर्फ्यू नहीं है, रास्ता ब्लॉक अभी नहीं है, ये तो नोएडा गाजियाबाद डासग्राम हर जगह ब्लॉक करते आए, सारी गाड़ियों को रोका है, कार्यकर्ताओं को रोका है, और हमने कभी कानून को अवहेलना करना कभी हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, कहा क्या गया, क्या कहा प्रशासन ने, क्या आपने सुना, क्या कहा गया, सड़क बंद है, जाम लगा रखा, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, निवेदन ये है कि हम जाके यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है, रात को हम पहुँचे, बाकी दल बाकी लोग जाके मिल रहे हैं, हम लोग दूर जाने को नहीं दिया जा रहा है, समझ से परे है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ लोगों को पीड़ा परेशानी हो, इसलिए क्या करें मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग आगे जाकर उस क्षेत्र में जाकर बिना किसी धारा का कानून का उल्लंघन करे लोगों से अगर मिलना चाह रहे हैं उसके लिए अनुमति नहीं दी जाए। कितनी देर से आप लोग क्या बता रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्यों रोका, क्यों टोल ब्लॉक कर दिया है, ये आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन ये कि रास्ता बंद है, हम आगे नहीं जा पाए, अब क्या करेंगे आप लोग, क्या रणनीति रहेगी, शुरू है, चलो आप लखीमपुर के, चलो चलो भाई, हम शांति पूर्वक तरीके से लखीमपुर जाना चाहते हैं, हमें पता चला कि यहाँ हमें जाने नहीं दे रहे हैं, आज पूरा दिन हो गया है हमें परेशान होते हुए, हमें ये नहीं पता चल रहा हमारा गुनाह क्या है, हमारा दोष क्या है ना, हमारा दोष क्या है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी नहीं बताने को तैयार हैं, अभी अभी आएंगे उनसे हम बात करेंगे, हम लखीमपुर के लिए जाना चाहते हैं, फोर्स आएंगे तो हम बात करेंगे, सचिन पायलट जी से हम बात कर सकते हैं।